अरे अंगूरी, अरे देखो भाई कौन आया है। अरे है लेडी के भैया, अरे है। अरे यार कितना गर्मी है, अब परेशान हो गए। अरे राम राम अंगूरी भाभी। राम राम, आइए आइए। अरे लेडी के भैया, अरे दारोगा जी और मास्टर जी आए हैं। अरे दादा, अरे इका हाल बना कर रखा है दारोगा जी। अरे क्या बताएं अंगूरी भाभी। अरे क्या दारोगा जी, आप और मास्टर जी अचानक कैसे? ऐसो है भैया तिवारी, मास्टर जी को कूलर चोरी हो गया यार। हाँ बताया था आपने कि कूलर चोरी हो गया, तो क्या मिल गया क्या? अरे घुइया में लगाओ यार। अगर मास्टर जी को कूलर मिल जा तो हमें तो सतर आग उगलती गर्मी में कानपुर की खाक छान रहे होते का। घर में बैठ के आराम से सांप सीढ़ी खेलते। हाय दिया, अब मास्टर जी का कूलर अभी तक ना ही मिला क्या दारोगा जी? वो कौन बदतमीज, बेशरम, घटिया आदमी है जिसने मास्टर जी का कूलर चुराया है? उसको तो कीड़े पड़ेंगे। अंगूरी ओके, क्या ये शब्द अपनी जुबान से निकाल रही हो तुम? हटाओ ना, हटाओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जो बताओ भैया तिवारी, तुम्हारे घर में जो कूलर लगो है वो तुमने कहां से खरीदो है? वो तुम्हारे घर में जो कूलर है वो बिल्कुल मेरे कूलर जैसा है। हाँ मास्टर जी, अब कूलर तो सब एक जैसे ही दिखते हैं ना। हाँ हाँ समझ रहे, तुम्हारी बातें एक जैसे ही जोड़ो मासी ससुर। तो अब तुम ससुर हमारी बात को जवाब दियो कि तुमने कूलर कहाँ से खरीदो है? अरे अब हमने कहाँ खरीदा है, हमें तो वो भभूती जी ने दिया है। क्या कह रहे तुम? तुम्हें भैया विभूति ने कूलर गिफ्ट करो है? नहीं ससुर, उनके पास कहाँ से आ गए इतने पैसा? अरे गिफ्ट नहीं किया है भाई, वो हमने उनसे खरीदा है। अच्छा, मतलब पूरे शहर में ससुर कूलर को अकाल पड़ गया है और भैया विभूति को कहाँ से मिल गया, कहाँ से खरीद लो उन्होंने कूलर? विभूति जी तो कह रहे थे कि दिल्ली से लाए हैं। अरे अब कहीं से भी लाए हैं, अब हमको क्या पता, जो पूछना भभूति जी से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाओ हाओ, तुमसे भी पूछेंगे, भभूति जी से भी पूछेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात बता दें भैया तिवारी, मां साहब को कूलर तो हम सोचो ढूंढ कर रहेंगे, और जो ने मां साहब को कूलर चुराओ है ना, वहां को सारे को हवालात में घसीट के ले जाएंगे और अच्छे से हजार मत बनाएंगे, तुम देख लो। चलो मां साहब बताइए, संस्कार नाम का चीज बचा ही नहीं। अरे है दुनिया में है ससुर, इनके घर में नहीं है, तुम तनक रहते को ट्यूशन पढ़ा देंगे। लड़की की भैया एक बात पूछे आपसे। हाँ। इतना पसीना कहाँ आ रहा है आपको? कहीं मास्टर जी का कूलर आप ही तो ना ही चुराए हैं? क्या बात कर रही हो पगली? अरे पसीना गर्मी की वजह से आ रहा है, तुम क्या बात कर रही हो, हटो। चो हम नहाने दो, हटो। ओह भाई, गले नहीं थे अब गल रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड चाचा, डिटेल में क्यों जा रहे हैं आप? राजमा गले हैं नहीं गले हैं, किस कलर के हैं, क्या है, सब अंदर छोड़ के आइए ना। आर यू गेटिंग इट आउटसाइड द बड़ी बाथरूम में? अरे यार तू खुद डिटेल में जा रहा है, बात कर रहा है बेकार की, चुप रह ना तू। तो चलो गोरी आओ फिर सोते हैं, आओ। अरे तू अपनी बीवी को बुला ना, तू अपनी बहन को क्यों बुला रहा है भाई? अंगूरी बेटा चलो कचड़ों के पास आकर सो जाओ। अरे लड़की तू अपने पति के पास सो, चल 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 चल। ठीक बात चाचा जी। यार जो फोन सटोर अबे की को आ गो। अरे दादा कमिश्नर साहब को फोन है। जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, हाउ साहब। अरे जैन राज ढूंढ रहे
साहब ऐसी गाली ना दियो, नहीं ऐसी गाली ना दियो, ढूंढ तो रहे हैं, दिन रात ढूंढ रहे हैं ससुर, खाना पीना भूल गए हैं, हाओ 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 ढूंढ रहे हैं साहब, ढूंढ रहे हैं। कमिश्नर साहब को फोन है तो ऐसी का गर्दन हिला रहे, चलो ढूंढे ससुर, कूलर ढूंढ के रहेंगे हम। अरे भाई टीका जरा देखो दरवाजे पे कौन है। भैया कौन चाहिए? बॉयल। अरे ओ बेल। ये सब क्या हो रहा है, है? ये गोरी बिटिया तुमरे बगल में क्या कर रही है? अब बहुरिया तुम ही नल्ले के बगल में क्या कर रहे हो बिटिया? आंटी आप सब गलत समझ रही हैं। असल में मैं और अंगूरी जी हम साथ में ही सो रहे थे, फिर नींद में पता नहीं कैसे मैं यहाँ खिसक कर आ गई और अंगूर जी वहाँ चली गई। हाँ उका हुआ ना अम्मा जी, हम भी नींद में खिसकते हुए कब भरभूती जी के पास आ गए हमको पता ही नहीं चला। एक्चुअली अम्मा जी क्या है कि वो एक ही कूलर है ना, तो लोग ठंडी हवा के चक्कर में यही लौट रहे हैं। क्या है कि नींद में जो है इधर उधर खिसक कर आ रहे हैं, तो इस चक्कर में पता नहीं चल रहा है। So funny. अभी ना वो मलखाना तिवारी जी के साथ इतना चिपक के बैठा हुआ था, इस वक्त सो क्लोज टू तिवारी जी। और वो भी वो टीका भी भभूति जी की छाती से दुबका हुआ पड़ा था। हाँ चुप करो बैल। गोरी बिटिया तुम जाओ नल्ले के बगल में सो, हैं जा। बहुरिया आहिया बैल के बगल में सो बिटिया आओ। ओ अम्मा जी आप इतनी रात को तकलीफ का है कि? अरे बिटिया वो कहा है ना, वो फोन पे तुम कूलर वाला बात बताई थी ना, हाँ तो हमारा मन ललचा गया। चल बेटा कचेड़ू, मैं चलता हूँ। चाचा जी आप तो अपनी दौलत मेरे नाम लिख दीजिए। अरे तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दी है भाई। बातों में मत लिखिए, बातों में तो मैं भी ताजमहल लिख सकता हूँ आपके नाम। कागज पे लिखिए, कागज के ऊपर प्लीज। बेटा कागज फट जाते हैं, बातें जिंदा रहती हैं। चलिए निकल लीजिए बाप, और फिर दोबारा वापस मत आइएगा। क्यों बे? अरे भैया क्या है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, गर्मी है, बीमार पड़ जाएंगे, वैसी पेट में हलचल रहती है आपके। चल ठीक है। चलो भाई लौटो, चल भाई लंदन में टैक्सी चलाएगा। अरे बोल भी भाई कुछ, तू तो एकदम चुपचाप सा रहता है। वैसे भभूति जी ये मास्टर साहब की बद्दुआ का असर है। जैसे मास्टर जी का कूलर चुराया तब से बुरा वक्त ही चल रहा है हमारा। हाँ ये तो है। अभी जी वो क्या है कि मैं दूध खरीद रहा था तो पीछे से गधे महाशय आए और उन्होंने मुझे रब करके पीछे से काट लिया। और तो बहुत बुरा हुआ, हमको बहुत चिंता हो रहा है। अभी जी डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। हमको गधे का चिंता है, वो आपको काटा है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए। यार मैंने पेट भर के खाना तो खाया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ खाना है। क्या खाना है इतनी रात में? हरा हरा सा दिमाग में आ रहा है, कुछ घास जैसा। क्या? कुछ।